بسم الله الرحمن الرحيم. जी बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ना लास्ट डिस्कस किया था, बुक्स में खोलता हूँ जी, हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल ना, वो हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन थी उसमें। अच्छा, इसमें हमारे पास ना नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है पीरियडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा एक मिनट, मैं आपको ओवरव्यू कर दूँ, वो नोट्स में से आप उसमें से आपने ना प्रेपरेशन करनी है अपनी। तो नोट्स तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए थे। इसमें एक तो ये एमसीक्यूज जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे उसी टॉपिक्स में से बने हुए हैं ना, तो इनके आंसर्स आपको ना हर चैप्टर के एंड पे ना दिए हुए हैं एमसीक्यूज ना, ऑप्शन ये नंबर दे के आगे आंसर लिखा हुआ। तो अगर कोई एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपने पूछ लेना है कि सर फलां नंबर का एमसीक्यू की कोई समझ नहीं आई, ठीक है, तो वो फिर डिस्कस कर लेंगे। तो एक तो ये, दूसरा ये जैसे आपको नज़र आ रहा है 36 नंबर, इसके आगे लिखा हुआ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, इन ये टेक्स्ट बुक का एमसीक्यूज है। तो जो टेक्स्ट बुक वाले एमसीक्यूज हैं उनको आपने ज़रा अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 का मैंने देखा है इसमें एक्सरसाइज के एमसीक्यू सिर्फ 2 हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं ना, वो जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो एमसीक्यू ज़्यादातर उन्होंने खुद से ही बनाए हुए हैं, तो इसलिए आपने इसमें कोशिश करनी कि ये आपका ना खुद से ये नहीं, इसको ये एमसीक्यू जितने दिए ये सारे आपके प्रेपरेशन हो जाए। इसमें पास पेपर वाले भी शामिल किए हुए हैं और मेरे खुद से बने जो हैं वो भी। ये तकरीबन आखिरी ये जो आपको एंड पे नज़र आ रहे हैं ना, ये को 5-6 एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज के बाद वाले, तकरीबन ये एक्सरसाइज से पहले भी 2-3-4 हैं, ये सारे पास पेपर वाले। अच्छा इसमें एक तो मैंने आपको बताया था ये ट्राइड्स वाला पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेव वाला इंपॉर्टेंट है, 2 हो गए। तीसरा ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ और मेडली पीरियडिक लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स हैं, ये इस तरह कभी आया तो नहीं सवाल है, लेकिन आपने अगर इसको अच्छी तैयारी करनी है तो ज़रूर देख लें। वाई नोबल गैसेस वाला जो 7 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें ना एक आपको नोट्स में एक अंदाज ये है दिया, ये देखे ना शुरू में छोटा सा एरो दिया और फिर उसके आगे एक ना 3-4 वर्ड्स में आंसर देने की कोशिश की गई, फिर उसी को नीचे एक्सप्लेन किया गया। यानी आपको शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह के मिलेंगे कि जिसमें है ना, जिसे मैं आपको पहले बताया करता था कि भी आप जब आंसर दो शॉर्ट क्वेश्चन का, तो पहले उसमें जो मेन उसका रीजन है ना, उस सवाल की जो मेन आंसर है उसको पहली लाइन में लिख दो, उसके बाद फिर नीचे जो आपने एक्सप्लेन करना है उसको करते रहे। तो ये इसी उसी तरह उसी पैटर्न पे ना, ये जो छोटा सा एरो ना, ये उस क्वेश्चन का मेन आंसर होता है। तो यानी ये आपने लिख दिया तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि इसको बंदे को आंसर का पता है, तो वो अगर नीचे वाला उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने ये नहीं कि नीचे वाला छोड़ देना, वो कहेगा यार इसने तो कुछ लिखा ही कोई नहीं है, कुछ तो एक्सप्लेन करता है, तो वो एक नंबर वैसे ही काट लेगा। तो इसलिए आपने एक्सप्लेन जरूर करना है नीचे, लेकिन जो है ना मेन जो उसका आंसर है उसको कोशिश करनी शुरू में एक आध लाइन में ना लिख दिया जाए। अच्छा फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, 9 वाला भी टेक्स्ट बुक है, 10 वाला भी टेक्स्ट बुक है, ये आपने जरूर करने हैं। चैप्टर 1 के जो टेक्स्ट बुक के शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इनके एक्सरसाइज ये टेक्स्ट बुक्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। उसके बाद ये डिफेक्ट्स ऑफ मेंडली पीरियडिक टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है पास पेपर के हवाले से ना सवाल। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पास पेपर में एक दफा सवाल आया था, तो उस वजह से फिर इसका मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया हुआ है। इसके अलावा ये कभी नहीं आया, एक दफा ही सिर्फ आया था, तो इतना इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग इसे मैं नहीं कहता कि आने वाला है। लेकिन बहरहाल आप अपनी जिस तरह हमने कल पीरियडिक टेबल से जिस तरह पढ़ा था ना, शॉर्ट लॉन्ग पीरियड इतने एलिमेंट फलां फलां, ये वही कैटेगरी में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो आज है ये है एटॉमिक साइजेस वाला टॉपिक आपका है। बुक से मैं अगर देखूं तो उसमें लिखा हुआ है ये पीरियडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ना, उसमें 2 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। एक एटॉमिक साइज है जिसमें एटॉमिक रेडियस पहली ऑप्शन है और बी ऑप्शन है आयनिक रेडियस, बस इन 2 की बात आज हम कर सकेंगे।
जो फर्स्ट में मैं आपको बताता हूँ जी कि एटॉमिक साइज होता क्या है ना, इसकी डेफिनेशन ये साथ ही दी हुई है, ये कि ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। इसकी मैंने ये पिक्चर भी बनाई है आपको समझाने के लिए। ये आपको गोल पिक्चर नजर आ रही, सेंटर में जो डॉट है ये न्यूक्लियस है, ठीक हो गया, उसके गिर्द जी ये सर। दो तीन जो शेल्स बनाने की कोशिश की गई, ये शेल्स हैं। अच्छा, अब वो जो आपने बोला ना एटॉमिक रेडियस, वो क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से लेके जो सबसे बाहर वाला शेल है उस तक टोटल जो डिस्टेंस है वो उस एटम का साइज कहलाता है ना, जिसे आप एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं, ठीक हो गया। यही अगर यही बात उसकी भी है, आयनिक रेडियस की भी यही है। आयनिक में आपको पता है या तो वो पॉजिटिव आयन होगा या फिर नेगेटिव आयन होगा, कैटायन होगा या एनायन होगा। तो जो कैटायन हो चाहे एनायन हो, डेफिनेशन यही है कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस जो है, अगर मैं इसे ऐसे बोलूं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम बोलूं तो वो एटॉमिक रेडियस है। अगर मैं बोलूं और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन तो वो फिर आयनिक रेडियाई बन जाएगा, ठीक है जी। सिर्फ ये आइटम और आयन का जी फर्क करेंगे तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का डिफरेंस आ जाता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। आगे आ जाता है इसका ट्रेंड। एटॉमिक रेडियस ये आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने छठे चैप्टर में हमने पढ़ा था, वहां पे भी ये सर। बात हुई थी कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस इनका ट्रेंड प्रेडिक्टेबल में सेम ही है, ठीक है। प्रेडिक्टेबल में सेम ट्रेंड का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ इस तरह ये एक एरो बना लेते हैं, जैसे ये अगर आपकी लेफ्ट साइड हो, ठीक हो गए, और ये वाली साइड आपकी राइट है, क्लियर। लेफ्ट से राइट अगर आप मूव करें तो ये डिक्रीज होते हैं, ये नजर आ रहे हैं लिखे हुए, ये इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मतलब आप पीरियडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो फिर ये जो आपका एटॉमिक रेडियस है या आयनिक रेडियस है ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक हो गया। डिक्रीज होते इसी तरह अगर मैं ग्रुप में बात करूं, ग्रुप में हम कहते हैं अप से डाउन, ये पीरियड हो गया जी, इसी के नीचे ग्रुप बना लेते हैं, अप से डाउन अगर आप मूव करते हैं तो ये इंक्रीज, ठीक है, ग्रुप में। ये बात हमने की है पीरियड्स की, ये हमारी बात हो रही है पीरियड्स के हवाले से, और ये बात हम कर रहे हैं ग्रुप्स के हवाले। ठीक हो गई। पीरियड में ये जो भी मैंने सेलेक्ट किया आपको नजर आ रहा होगा, जो पीरियड में हम अगर मूव करें लेफ्ट से राइट तो ये डिक्रीज होते हैं, और ग्रुप्स में अगर हम अप से डाउन मूव करें तो ये इंक्रीज होते जाते हैं। अब अगला पॉइंट था मतलब ये तो हो गया इसका ट्रेंड ना कि पीरियडिक टेबल में इंक्रीज डिक्रीज कैसे होते हैं। आगे इसके पॉइंट आ जाएगा कि उसकी रीजंस क्या हैं, वो आपके ये नोट्स में दिया हुआ है। पहले इसने बात की है ग्रुप्स की, कि जब हम ग्रुप्स में टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? ड्यू टू नंबर वन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। आपको पता है नीचे की तरफ जाएं तो पीरियड नंबर बढ़ता जाता है ना, 1 2 3 4 5 6, और हाँ जी हमने कहा था जो पीरियड का नंबर होता है उतने ही उसके पास शेल होते हैं। तो जो पहले पीरियड वाले इनके पास एक शेल है, दूसरे वालों के दो हैं, तीसरे के तीन हैं, तो जैसे नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं तो साइज भी बड़ा होता जाएगा। दूसरा नंबर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अगर आपको याद होगा तो वो ये था, हमने बात की थी कि जैसे मैं इसमें ड्रा कर लेता हूँ जी, ये सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है जी।
अच्छा इसी का ये इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है पहले शेल में तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जी ये फर्स्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक हो गए, कर देता हूँ। और इसी तरह अब ये सेकंड शेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लेट्स सपोज ये मैं 8 ही बना लेता हूँ। लें जी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा अब हमने बात करते हैं कि ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद दूसरे में ये मैंने 8 बनाए हैं। अगर आप इसको, अगर नहीं नजर आ रहा तो इसका ना कलर भी चेंज करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस हो जाए, तो ड्राइंग ही करते रह जाएंगे यार पढ़ाना की। चलें कुछ आइडिया हो जाएगा आपको, मुझे जुबानी जुबानी पता नहीं है, ऑनलाइन क्लास से मैं कैसे समझाऊंगी इनकी केमिस्ट्री, मुझे तो ये नहीं समझ। ये तो इनऑर्गेनिक जरा आसान है। ये बेटा माइक को तो सही करें पास। अच्छा ये अब बेटा पहले 2 इलेक्ट्रॉन ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं, फिर 8 आपको जो दूसरे शेल के, उसके बाद तीसरे शेल में फिर ब्लैक कलर वाला आ गया। अच्छा अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारों के ऊपर तो माइनस चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, और आपने पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, एक पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे रिपल्जन इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो सेंटर में ये आपको ब्लैक कलर का स्पॉट जो नजर आ रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है ना, इसको मैं ये ब्लू कलर बना देता हूँ, ये ब्लू कलर वाला आपका न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आपको पता है सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होती है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है इसके, ये जो वैलेंस शेल के और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो भी है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये जो दरमियान में 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के आ गए, पहले शेल के 2, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड कर रहे हैं। शील्ड का मतलब होता है ना रोकना, ब्लॉक करना दरमियान में आके, तो वो रोक रहे हैं इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को जो इस ब्लैक वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर पड़ रही थी, तो इसको हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट, रोकने का इफेक्ट। एक और नाम आपने इसका पढ़ा था स्क्रीनिंग इफेक्ट ना, या शील्डिंग का ही दूसरा नाम था स्क्रीनिंग। स्क्रीन का मतलब यही होता है रोकना, जैसे विंड स्क्रीन हवा को रोकने वाली होती है ना गाड़ियों की, तो ये नहीं। अब शील्डिंग इफेक्ट आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या है, के डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से वैलेंस शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम पड़ जाती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का। अब जितने ये नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे उतना आपको पता है ये वैलेंस जो, ये आपका वैलेंस है इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो जितना ये दूर होगा उतनी इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाएगी, ये फैलता जाएगा और साइज भी आपके पास जो होगा वो बड़ा होता जाएगा। तो यही पॉइंट उसने यहाँ लिखा था सेकंड वाला, कि फर्स्ट लिखा इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ते गए और नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से इंक्रीज इन शील्डिंग फैक्ट, शील्डिंग फैक्ट भी ज्यादा होता गया, और फिर इन दोनों का रिजल्ट क्या निकला कि डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आपके जो उस वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या हो गई, कम हो गई, और कम होने की वजह से आपका जो एटम का साइज है वो बड़ा हो गया। ओके जी, उसके बाद है जी पीरियड्स में लेफ्ट से राइट ये डिक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट डिक्रीज है, क्यों? नंबर वन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, उसमें आपको याद होगा हमने, इसमें मैं ओपन कर लेता हूँ जी, ये हमारे पास था ये देखे ना, जैसे ये पीरियड नंबर 2 ले ले, उसमें ये लिथियम आपको नजर आ रहा है, इसमें एटॉमिक नंबर 3 है, फिर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, और 3 एटॉमिक नंबर का मतलब इसके न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन भी तो 3 ही है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज 3 के हिसाब से है,
ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब इसके पॉजिटिव चार, न्यूक्लियस के पास 4 प्रोटॉन है, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया। इस तरह 5, 6, जैसे जैसे ये एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा और उनके जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी ज्यादा होता जा रहा है। इसलिए उसने ये टर्म बोली कि आपकी न्यूक्लियस इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही। अब इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, अभी पीरियड में आपने देखा कि ये दूसरा पीरियड है ना लिथियम वाला, दूसरा पीरियड का मतलब 2 शेल। अब इन सारों के पास, लिथियम के पास भी 2 शेल है और इस पीरियड का जो आखिरी मेंबर नियॉन है उसके पास भी 2 शेल है, लेकिन इस लिथियम के 2 शेल को, 2 शेल के अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसको 3 ही प्रोटॉन खींच रहे हैं, लेकिन नियॉन जो आखिरी है उसके 2 शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और उसको खींचने वाले भी 10 प्रोटॉन है, तो यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी ना 10 प्रोटॉन की 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जिसकी वजह से वो जो साइज होगा नियॉन का वो लिथियम की निस्बत से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक हो गए, तो ये ओवरऑल हमारे पास आ गया पहला, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल होता है कि एटॉमिक साइज क्या है, डेफिनेशन होगी, फिर इसका ट्रेंड प्रेटेबल में क्या है तो हमने बता दिया इंक्रीज है या डिक्रीज है तो कैसे। उसके बाद है जी सेकेंड वाला हमारे पास आता है आयनिक साइज वाला, सेकेंड ऑप्शन। इसके अंदर आपको जो बुक है ना, जो बुक को मैं आपके इसमें अगर देखे ना एटॉमिक साइज वाले पॉइंट के अंदर, बुक में आपके पास जो MCQs वगैरह जो है ना वो कोई नहीं है इसके अंदर ना, और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही था जो मैंने करवा दिया, लास्ट में एक बचता है ये है, देखे ना ये आखिरी लाइन में आखिरी वर्ड लिखा हुआ है, लेंथेनाइड इज सिग्निफिकेंट एंड कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का भी है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इस यहीं पे ना, ये आप देखेंगे ना यहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, या लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कंट्रोल्स द एटॉमिक साइजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 6th and 7th पीरियड, एक्सप्लेन इट। तो ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी लिखा हुआ है, तो इसको हम लेंथ एंड कंट्रैक्शन क्या है, आंसर मेन आंसर पॉइंट उसने लिखा है कि डिक्रीज इन साइज इन लेंथ एंड सीरीज इज कंट्रोल्ड बाय एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल एफ ऑर्बिटल। पॉइंट ओके, डिक्रीज इन साइज इन लेंथ एंड सीरीज इज कंट्रोल्ड बाय एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल एफ ऑर्बिटल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे फिर थोड़ा सा ना वो पीरियोडिक टेबल किधर गया उसको लेते हैं उसमें देखते, ये आपका ना ये लेंथेनाइड सीरीज है, ये नीचे वाली जो दी है ये वाली, ठीक है, ये लेंथेनाइड सीरीज लिखा हुआ है। इसमें आपको याद होगा कल हमने बात की थी ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर आप वो याद हो ना एंट्रिंग आपने देखी हो, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, तो उसमें 1s पहले शेल का s है, फिर दूसरे शेल का s है, 1s 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3b चलते जाते हैं। जब आप चौथे पांचवें शेल का पांचवें, हाँ जी 5d जब आप फिल कर चुके होते हैं, फिर 6d के इलेक्ट्रॉन की बारी भी आ चुकी होती, उसके बाद फिर बारी आती है इस 4f चौथे शेल के f ऑर्बिटल की। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको, या इसको मैं ना एक और अंदाज से आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट ईयर की बुक, ये ना फर्स्ट ईयर की बुक है, इसमें मैंने चैप्टर नंबर 5 में था ना हमारा ये एटॉमिक्स 18, मेरा ख्याल आज तो सिर्फ यही बात हो सकेगी आयनिक वाले, तो फिर नेक्स्ट ही चलो, आधे घंटे का है ना आज तो क्लास आपकी। जी सर। यस सर। अच्छा ये पांचवे में था एंड पे,
ये देखें ना, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, इसमें एफ तो उसने शो नहीं किया होगा। चले मैं इसमें शो कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट है ना। ये वीडियो तो ऑफ कर दो पुत्र। अच्छा जी, यहाँ पे ये आपके पास था ना, ये 3D, इसमें भी नहीं दिया। अच्छा चले यार, अब मैं ऐसी बात कर लेते हैं, छोड़े हैं इसके आगे। तो चले शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उधर ही मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आंसर मैं बोलता हूँ। लेफ्ट टू राइट इन 6 पीरियड लेंथेनाइड होते हैं, और 7th पीरियड में हमने पढ़ा था एक्टिनाइड्स थे। ऐसे था जी, ये 6, ये जो लेंथेनाइड सीरीज है ये 6th पीरियड में आई थी, और एक्टिनाइड वाली जो है वो 7th पीरियड में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा था साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये तो आपने अभी बात कर ली ना, जब आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जा रहा है ना, 58, 59 और एंड पे 71। तो बढ़ने की वजह से साइज ने क्या होना है, डिक्रीज होना है। ये बात अंडरस्टैंड जी, जो हमने अभी बात की थी, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी और साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो उसके बाद जो है क्या कह रहे हैं, साइज डिक्रीज, दिस डिक्रीज इन साइज इज कंट्रोल्ड बाय इनर शेल एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जुमला ये बता रहा है कि आपका जो, मैंने अभी जो बात की ना कि वैलेंस शेल, ये इधर देख लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये छठा शेल है, ये शेल है आपका, इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में मौजूद है, और अंदर शेल वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो साइज है वो होना चाहिए बड़ा, सॉरी उस एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज तो बड़ा हो रहा है, शेल तो इंक्रीज नहीं हो रही। जैसे 3 शेल है सारों के पास, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से उसका साइज छोटा होता जा रहा है। क्लियर हो गई। लेकिन जब एंट्रिंग इलेक्ट्रॉन आता है ना, अभी जैसे मैंने बात की कि छठे शेल के, यहाँ पे ये तीसरा है, फिर इसके बाद चौथा, पांचवा और छठा, छठे शेल के इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद, छठे शेल के इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं चौथे शेल के अंदर। तो चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से वो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही चौथे अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से जो वैलेंस शेल और अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो जनरल ट्रेंड तो ये था कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो साइज को डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएं तो साइज को डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो साइज इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये जो जुमला लिखा इन्होंने कि द डिक्रीज इन साइज इज कंट्रोल्ड बाय इनर शेल एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये मेरा नहीं ख्याल आपको समझ आई होगी, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, मुझे समझाने में को पता नहीं चला क्या मैंने बोला। अच्छा चले, इसकी ना मैंने अभी आपकी क्लास का टाइम भी ओवर हो गया, चले इसको मैं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर में ना, मैं इसका ये ड्रा करके रख लूँगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और फिगर भी, तो फिर इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगी। अभी तो टाइम थोड़ा था, इसलिए मैंने कहा ड्रा करूँगा तो वो सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है जी, चलें बस काफ़ी है जी आज के। तो आप आपकी अटेंडेंस अपनी जो है ना वो मार्क कर दें उसमें, और कोशिश किया करें लेक्चर के दौरान ही हो जाए, नहीं तो वो 5-10 मिनट 15 मिनट बाद भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो भी ना 11-12 बजे जाके मार्क करें, तो वो फिर वो ग्रुप जो अटेंडेंस जो मैं प्रेजेंट लिखूंगा तो वो फिर जो चेकिंग वाले होंगे वो कहेंगे इतनी देर बचा है तो क्लास में था कि नहीं था, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलेंगे, ठीक है।